दो से तीन मिनट में हम रिब केज को समझते हैं। ये आप पूरा डायग्राम को देखिए, ये रिब केज है। इसमें आपका ये रिब केज के अंदर जो है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये लंग्स है। यहाँ पे ये पूरा इसके अंदर जो आपको दिख पा रहा है जो भी ऑर्गेन, वो लंग्स है। ये पे TRUE ट्रू रिब, ठीक है। ये जो बीच वाला आप ये देख रहे हैं, ये मेनू देख रहे हैं, मेनुब्रियम जो है ये। इसके बाद ये इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। ये हमारा सिफाइड प्रोसेस है। और इसके अंदर जो ये वाला जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा हार्ट है। और ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे डायफ्राम है, ठीक है। ये फॉल्स रिब हो गया यहाँ पे, ये एस्प्लिन है यहाँ पे। ये जो डायग्राम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं वो एस्प्लिन है। ये फ्लोटिंग रिब है जो आगे पीछे होता है। जब आप सांस गहरी लेंगे तो ये ऊपर की तरफ, ये डायफ्राम की मदद से ऊपर होता है फिर नीचे होता है। ये कोस्टल कार्टिलेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये वाला एरिया जो है वो लीवर का है, और ये वाला जो एरिया है वो आपका स्टोमेक का है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सिफाइड प्रोसेस, यहाँ पे देखिए सिफाइड प्रोसेस, बॉडी और मेनुब्रियम को कलेक्टिवली हम लोग अस्टर्नम बोलते हैं। आप देखिए ये, इसको हम लोग अस्टर्नम बोलते हैं। और ये हमारे जो डायफ्राम है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर का जो हिस्सा है, वो एक्चुअली में यही रिब केज के अंदर है। जो हम सबको जानना चाहिए, एक अच्छे बायोलॉजी को अगर आप रीड करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए।